छिछड़ेतर कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार पदोन्नति दिए जाने, रसोइयों का मानदेय 10,000 रुपये किए जाने सहित 9 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक छिछड़ेतर एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छिछड़ेतर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने, प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर 10,000 किए जाने तथा उनको नियमित किए जाए, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, शिक्षक पद पर पदोन्नत हो, रसोइयों का मानदेय 10,000 हो, कर्मचारी एक का जिंदाबाद, मांगे लेकर रहेंगे। आशुतोष तिवारी नाम है मेरा, मैं संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के क्रमवार धरने में जिला विद्या निरीक्षक के वहाँ धरना हुआ पिछले दिनों, आज मंडल कार्यालय पे संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के समक्ष हम लोग अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हमारी 9 मांगे हैं। पहली मांग है कि माध्यमिक विद्यालयों में इस समय शिक्षकों की भारी कमी है। हम शिक्षोत्तर कर्मचारी एमए बीएड पीएचडी डिग्री धारक वहाँ चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार अन्य विभागों में पदोन्नति का नियम है, उसी तरह हमको भी हमारे डिग्री के अनुरूप अपने विद्यालयों में 25% कोटे के अंतर्गत शिक्षक पद पर पदोन्नति किया जाए, ताकि हम अपने योग्यता के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। दूसरी हमारी मांग है राज्य कर्मचारियों की बात अवकाश नकदीकरण हमें दिया जाए, 300 दिन का नकदीकरण हमको मिलना चाहिए। तीसरी मांग है विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है, विद्यालयों में कार्य बाधित हो रहे हैं, यह रोक हटाई जाए, ताकि विद्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने पदों के अनुरूप नियुक्ति पा करके विद्यालय की जो व्यवस्था उस व्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। तमाम नौजवान साथी जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनको इस सरकार ने पेंशन बंद कर दिया है। हम लोग पेंशन बहाली की मांग करने के लिए 3 दिन हड़ताल भी किए थे। फिर हमारी मांग है कि हमारी पेंशन बहाली जो बुढ़ापे की लाठी होती है, जो चौथा बेटा दूसरे बेटे के रूप में माना जाता है, हमको पुरानी पेंशन बहाली दी जाए। माध्यमिक विद्यालयों में रसोईया कार्यरत है, उनको 1,000 मानदेय दिया जाता है। संगठन की मांग है कि उनका मानदेय कम से कम 10,000 किया जाए और उनको उनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। जिस तरह हर साल उनको बदल के दूसरे को रखा जाता है, इस पर रोक लगाई जाए और उनका मानदेय 10,000 किया जाए।